हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जोन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से डार्क एंड गोल्डन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी से आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाते हैं कलर टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को करेंगे हम प्लस 25 एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी बढ़ाएंगे। तो गाइस, टेंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 24 एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम माइनस 20 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए हम सेकेंड वाले ऑरेंज कलर पे जाएंगे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे। तो इसे रखते हैं माइनस 14 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं प्लस 20 एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम माइनस 100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 60 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को भी बढ़ा देंगे। तो गाइस, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं प्लस 20 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे हम माइनस 100 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी कर देंगे माइनस 100 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ह्यू की वैल्यू को यहाँ से करते हैं माइनस 40 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 94 एंड यहाँ से इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो इसे रखते हैं माइनस 14 एंड ऊपर से कर देंगे डन एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर सबसे फर्स्ट में शैडोज का ऑप्शन। तो गाइस, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर कलर बार दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सेचुरेशन एंड ह्यू का ऑप्शन है। तो क्या करेंगे हम, कलर बार में अपने फिंगर को कुछ इस टाइप से टाइप करेंगे और इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन फिंगर को कुछ इस टाइप से स्लाइड करते हुए हम मिलाएंगे, जैसे मैं मिलाता हूँ। ठीक, इसी प्रकार से आपको भी अपनी फोटो में इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को मिलानी है। सो गाइस, इसकी ह्यू है 211 एंड सेचुरेशन है 31 एंड यहाँ से क्या करेंगे, इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम माइनस करेंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी फोटो है उसमें थोड़ा सा और डार्कनेस आए। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम माइनस 41 एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम 28 एंड यहाँ से वायलेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, वायलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 14 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फोटो है वो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, लेकिन इसे हम और अट्रैक्टिव बनाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 29 एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइस, डीएच की वैल्यू को यहाँ से करते हैं प्लस 8 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं माइनस 45 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को भी डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, मीट पॉइंट की वैल्यू को यहाँ से करते हैं 20 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, फेदर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 65 एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं प्लस 23 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो इसे रखते हैं 21
एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन एंड यहाँ से इसकी भी वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। तो गाइज हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइज आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोगों को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर को ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेफ्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।